सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कथा के लेखक हैं आदित्य नीला दिलीप निमकर। अभी राजा रामपुर पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। ब्रिज पार करते ही हम घर पहुंच जाएंगे। नहीं, मुझे डर लग रहा है। बस थोड़ी देर। इस पुल पे आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और एक अजीब सी हंसी उस रात के वीरान से सन्नाटे में गूंजने लगी। राजा रामपुर गांव शहर से थोड़ा दूर था। जंगल के रास्ते गांव में जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी, इसलिए बहुत रुपए खर्च करके पत्थर का पुल बनवाया गया। बड़ी मेहनत से पुल बनाया गया, लेकिन इस पुल का कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, क्योंकि इस पुल पे बैठी एक चुड़ैल किसी को भी इस पुल को इस्तेमाल करने ही नहीं देती। गांव में पुल के सामने ही बड़ा सा मकान है। ये है गांव के मुखिया रामचरण जी का घर। इनका बेटा विक्रांत शहर में बड़ा सिविल इंजीनियर है। उसकी शादी 2 साल पहले राधिका से हुई, पर 2 साल बाद पहली बार लॉकडाउन के वजह से विक्रांत राधिका को लेकर राजा रामपुर आया। आने के लिए नाव से ही आना पड़ा। पुल के होते हुए भी नाव से क्यों आना पड़ता है, इस बात का राधिका को ताज्जुब हुआ कि तभी इसके बाद बोट वाले ने बताया, जरूर उन्होंने पुल से जाने की कोशिश की होगी साहब, तभी उस पुल वाली चुड़ैल ने इनको मार डाला होगा। यह सुनकर राधिका और ज्यादा डर गई। इस गांव में आते ही उसका इतना डरावना स्वागत हुआ कि अगली 2 रातें वो सो ना पाई। उसी रात में भी वही लाशें दिख रही थी। राधिका ने विक्रांत से उस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो धीमी आवाज में बोला, वो पुल अशुभ है, इसके बारे में कभी बात मत करना। इसलिए वो बात वहीं बंद हो गई। पर फिर भी राधिका के दिमाग से वो बात दूर नहीं गई। उसके कमरे की खिड़की से वो पुल उसे दिखाई देता था और रात में वो पुल बहुत डरावना लगता था। उसे अजीबोगरीब आवाजें आने लगती। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई पुल पर बुला रहा हो। एक रात राधिका रात में उठ के नींद में पुल की तरफ चलने लगी। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। उसे बस ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे एक आवाज बुला रही है। वह धीरे धीरे पुल की तरफ पहुंच रही थी। जैसे वह पुल की तरफ आ रही थी, उसे एक औरत का साया दिखने लगा। वो साया उसे पुल की तरफ खींच रहा था। जैसे ही उसने अपना पैर पुल पर रखा, राधिका को समझ आया कि वो सिर्फ सपना देख रही थी। पर ताज्जुब की बात ये थी कि वो पूरी तरह से भीग गई थी, मानो नदी में डुबकी लगाकर बाहर निकली हो। उसके साथ क्या हो रहा था उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसने देखा कि उसके पहलू में विक्रांत नहीं था। इतनी रात विक्रांत कहाँ गया, ये ढूंढने के लिए राधिका निकल पड़ी। उसने देखा घर के पीछे विक्रांत 4 लोगों से चोरी छुपे कुछ फुसफुसा रहा था। जैसे उसे पता चला राधिका आई है, उसने डरकर बातें बंद की। अरे राधिका, तुम सोई नहीं अभी तक, और इतनी भींग कैसे गई तुम? विक्रांत, तुम इस वक्त यहाँ पे किससे बातें कर रहे हो? नहीं, किसी से नहीं, चलो सोने चलते हैं। विक्रांत राधिका को वापस कमरे में लेकर गया। दोनों सो गए, लेकिन राधिका को अब सोने से भी डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं वापस वही डरावना सपना उसे ना दिखे।
सोच में डूबी राधिका खिड़की से बाहर पुल की तरफ देख रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे 3-4 लोगों के साए पुल की तरफ चुपचाप जा रहे हो। राधिका डर गई। वह विक्रांत को इस बारे में बताना चाहती थी लेकिन विक्रांत गहरी नींद में था। राधिका ने फिर हिम्मत करके उन लोगों का पीछा करने की ठान ली। वह चुपचाप घर से बाहर निकली और पुल की तरफ जाने लगी। उसे खुदाई की आवाज सुनाई देने लगी। तभी उसे जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। यह आवाज यकीनन उस चुड़ैल की थी। खुदाई की आवाज शांत हो गई और फिर 2-4 लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, बचाओ। ऐसा लग रहा था कि कोई उन पे बहुत अत्याचार कर रहा हो। राधिका अंधेरे में उन आवाजों का पीछा करते हुए पुल तक पहुंची कि तभी उस पर एक के बाद एक गोलों की बरसात हुई। उसे अंधेरे में कुछ समझ नहीं आया और जब उसने थोड़ा ध्यान देकर देखा तो पता चला वह गोले पत्थर या कुछ और नहीं बल्कि 4 मर्दों की मुंडियां थी। एक एक मुंडी का चेहरा देखकर राधिका डर से कांप उठी। ये 4 चेहरे उन्हीं लोगों के थे जिनसे थोड़ी देर पहले विक्रांत बातें कर रहा था। तभी चुड़ैल की आवाज गूंज उठी। इन 4 को पुल तोड़ने के लिए तुम्हारे पति ने भेजा था लेकिन इनकी खुद के सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर से अगर ऐसी कोशिश की तो अंजाम बुरा हो सकता है। राधिका को यह देखकर चक्कर सी आ गई और वो गिरने ही वाली थी कि उसे किसी ने पकड़ लिया। राधिका ने जब सुबह आंखें खोली तो देखा वो अपने घर में थी। विक्रांत उसके पास ही परेशान होकर बैठा था। उसी ने रात को राधिका को गिरने से बचाया था पर वो वहां कैसे आया? उसने वो पुल तोड़ने के लिए 4 लोगों को क्यों भेजा? ऐसे बहुत से सवाल राधिका के मन में उठ रहे थे। जब राधिका ने विक्रांत को इस बारे में पूछा तो विक्रांत कोई जवाब देने को तैयार ना था। उसने बस इतना कहा, हम अभी के अभी वापस शहर जा रहे हैं, गांव में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। विक्रांत इतना ही बोलकर पैकिंग करने चला गया। विक्रांत और राधिका नाव में बैठकर शहर की ओर निकले। जाते वक्त राधिका उस पुल को देख ही रही थी कि तभी अचानक तूफान आ गया। नदी में इतनी बड़ी लहरें उठने लगी जैसे समंदर हो। भूकंप का एहसास होने लगा। नाव उलट पलट होने लगी। तभी उस चुड़ैल की आवाज आई, खबरदार अगर इस गांव से बाहर कदम रखने की कोशिश की, विक्रांत और उसकी पत्नी अब इस गांव में कैद रहेंगे। अगर फिर से नदी पार करने की कोशिश की तो पूरा गांव तहस नहस कर दूंगी। ये बात सुनकर विक्रांत और राधिका डर गए। किनारे पर खड़ी गांव वाले भी यह देखकर और यह सुनकर हैरान हो गए क्योंकि अब तक पुल कोई पार नहीं कर सकता था पर अब नाव में बैठकर भी नदी भी पार करना चुड़ैल ने मुश्किल कर दिया। तभी एक बड़ी सी लहर आई और बोट उल्टी हो गई। विक्रांत और राधिका तो जैसे खींचे हुए वापस गांव के किनारे आ पहुंचे। अब राधिका और विक्रांत को राजा रामपुर में ही रुकना पड़ा। राधिका पेट सी थी, वह जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब राधिका को रात भर आने वाले पुल के सपने बंद हुए। उसी रात को अच्छे से नींद आने लगी। रात को खिड़की बंद रखने के बावजूद ठंडी हवाएं आती थी। कुछ ही महीनों बाद राधिका ने एक बच्चे को जन्म दिया। गांव में घर में खुशी का माहौल था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई बुरा साया उन पर मंडरा रहा हो। वापस शहर कब जाने को मिलेगा इसकी चिंता उन्हें अंदर से खाए जा रही थी। राधिका को किसी और की बात की टेंशन होने लगी। उसे लग रहा था कि बच्चे के आसपास कोई है। बच्चा उसे नहीं बल्कि किसी और को देखकर हंस रहा है, किसी और से खेल रहा है। कोई दिखाई नहीं दे रहा था फिर भी बच्चा किसी अदृश्य साए के चंगुल में था। अब रात में फिर से राधिका को सपने आने लगे। वह पुल दिखने लगा लेकिन इस बार सपने में बच्चा पुल की तरफ जाते हुए दिख रहा था। बच्चा रेंगते रेंगते पुल पर पहुंच चुका था। उसे चुड़ैल बुला रही थी। अब बच्चा चुड़ैल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही चुड़ैल बच्चे को पकड़ लेती
वैसे ही राधिका नींद से जाग उठी। उसने पालने की तरफ देखा तो बच्चा नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो बच्चा पुल पर रेंगते हुए किसी साय की तरफ जा रहा था। राधिका के तो होश ही उड़ गए। उसने विक्रांत को उठाया, वह भी डर गया। दोनों दौड़ते भागते पुल की तरफ पहुंचे। वहीं रुक जाओ, कोई पुल पर नहीं आएगा, सिर्फ ये बच्चा यहाँ आएगा। अब ये बच्चा मेरे पास रहेगा। यह बात सुनकर दोनों डर गए। राधिका रोने लगी, हाथ जोड़ के अपने बच्चे की भीख मांगने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव पुल के पास उमड़ पड़ा। अब चुड़ैल उन्हें साफ साफ दिख रही थी, लाल साड़ी पहनी हुई, उसके उड़ने वाले बिखरे बाल, माथे पर लाल बड़ा टीका, लाल लाल आंखों में जैसे अंगार हो। और डरावनी बात यह थी कि उस चुड़ैल के हाथ में विक्रांत और राधिका का नन्ना सा बच्चा था। नहीं, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है ये अपने पति से पूछ कि उसने मेरा क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल की बात सुनकर सब लोग विक्रांत की तरफ देखने लगे। वो घबरा गया और आखिर उसने वो राज खोल ही दिया। विक्रांत बताने लगा, 4 साल पहले मेरी कंपनी को राजा रामपुर का पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। बहुत सारे मजदूर लगाकर काम शुरू हुआ। पुल का काम जब पूरा होने की कगार पर था तभी एक दिन पुल गिर गया। पुल बनने से पहले गिरने से सब घबरा गए। ये बात फैलने से पहले फिर से पुल बांधने का काम शुरू हुआ पर पुल फिर से टूट गया। लगातार कई बार कोशिश करने के बावजूद वो पुल गिर रहा था। खर्चा बढ़ रहा था, डेडलाइंस भी पार हो चुकी थी। 2 साल हो गए पर पुल खड़ा ही नहीं हो पाया। काम हाथ से निकल जाने का डर था, मैं बहुत परेशान था। तभी मेरे एक मुलाजिम ने कहा, साहब आप नहीं जानते, ऐसे पुल कभी नहीं बन पाएगा। तो फिर कैसे बनेगा? टेक्निकल प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये पुल खड़ा ही नहीं हो रहा। ये टेक्निकल मुद्दा नहीं है सर, नदी अपने ऊपर ये पुल खड़ा नहीं होने देगी। अगर आपको पुल बनाना है तो पहले नदी को बलि चढ़ानी पड़ेगी। क्या, बलि चढ़ानी पड़ेगी? ये क्या बात हुई? पुल बनाने के लिए अच्छी योजना, पैसा, शिक्षा, अच्छे कारीगर की जरूरत होती है, बलि चढ़ाने जैसी घटिया प्रथा की नहीं। ये सब तो पहले से ही आपके पास थे, फिर भी पुल नहीं बन पाया क्योंकि नदी अपने ऊपर ये पुल नहीं बनने दे रही। नदी को जरूरत है नर बलि की। एक बच्चे की बलि चढ़ाने के बाद देखिए, पुल कुछ महीने में ही पूरा हो जाएगा, वो भी बिना किसी रुकावट के। पहले मुझे इस बात पर भरोसा नहीं था पर फिर गांव वालों ने भी यही बात मेरे गले उतारी और मैं भी ऐसी गंदी प्रथा पर यकीन कर बैठा। पुल बांधना मेरे लिए अब सबसे बड़ी बात हो गई थी। मेरे पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि रात को एक नन्हे बच्चे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरा ध्यान गया पुल बांधने वाले कारीगर पर। वह और उसकी पत्नी पुल बांधने के काम में जुटे हुए थे। उनका एक नन्हा सा बच्चा वहीं झोली में सो रहा था। मैंने कारीगर से बात की, बच्चे के बदले मऊ मांगी रकम देने का वादा किया। कारीगर की पत्नी ये बात सुनकर गुस्सा हो गई, रोने लगी। वो बिल्कुल इसके लिए राजी नहीं थी पर उसका पति तैयार हो गया। मैंने उसे पैसे दिए और रात को उसकी पत्नी की गोद से बच्चे को खींच कर ले गए। बच्चे की आवाज़ सुनकर उसकी माँ जाग गई, भाग कर हमारे पीछे भागती हुई आई, चिल्लाती हुई आई। पर जब तक वो पहुंची उसकी नन्ही जान की बलि चढ़ चुकी थी। उस औरत के पति ने उसे जैसे तैसे संभाला, पुल का काम शुरू हुआ। लेकिन इस बार पुल की जगह बदल दी। सच कहूँ तो पुल की जगह नदी का बहाव ज़्यादा था। जहाँ कम बहाव था वहाँ से पुल बांधना शुरू किया, तब पुल बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। पुल के लिए उस बेचारे बच्चे की बलि देने की ज़रूरत नहीं थी पर मैं गांव वालों के बहकावे में आकर गलती कर बैठा। उसी बच्चे की माँ रोती रही, पागल होकर पुल पर पत्थर मारती रही, कहती रही ये पुल नहीं मेरे मुन्ने की समाधि है। आखिर एक दिन पुल के काम के बीच उस औरत के सर पर पत्थर गिरकर उसकी मौत हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था। उस हादसे के बाद पुल का काम पूरा होते ही मैं गांव छोड़कर चला गया और उस औरत की आत्मा यहीं अपने बच्चे की समाधि की रक्षा करते हुए बैठी है। ये बात सुनकर सिर्फ राधिका ही नहीं सारे गांव वाले सुन रह गए। हाँ, मैं वही हूँ और अब मैं तुम्हारे बच्चे की जान लूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है जब किसी माँ पर
अन्याय होता है तो क्या होता है? चुड़ैल की बात सुनकर राधिका दौड़कर चुड़ैल के पास गई। नहीं, ऐसा मत करना। जो गलती मेरे पति ने की वो गलती तुम मत करो। मासूम बच्चे को मत मारो। ये पुल लोगों की भलाई के लिए बनाना चाहते थे, और जो गलती हुई है उसके लिए तुम मेरी जान ले लेना। मैं समझ गई हूँ, तुम चुड़ैल नहीं, बस एक जख्मी माँ हो, और कोई माँ किसी बच्चे की जान नहीं लेना चाहेगी। मैं वादा करती हूँ, ये पुल तुम्हारे मुन्ने की समाधि के रूप में रहेगा। इस पुल का इस्तेमाल करने वालों को टोल देना होगा, और वो पैसे गरीब मासूम बच्चों की भलाई के लिए इस्तेमाल होंगे। मैं वादा करती हूँ। राधिका की बात सुनकर मौसम बदल गया। चुड़ैल ने बच्चा राधिका के हाथ में दे दिया। उस दिन के बाद वो पुल आखिर लोगों के लिए शुरू हो गया। उस दिन के बाद किसी को चुड़ैल दिखाई नहीं दी, पर उस पुल को आज भी मुन्ने राजा पुल कहा जाता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।